अगर आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल बीटेक वगैरह या बीसीए वगैरह कुछ कर रहे हो, तो जो लास्ट सेमेस्टर होता है और कई बार इंटरव्यूज देने पे या कंपनी विजिट करते हैं आपके कॉलेज कैंपस में, तो हो सकता है कि वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और वहाँ पे प्रॉब्लम आती है फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई बैक वगैरह है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर फिर बैकग्राउंड वेरीफिकेशन एक्चुअली होता कैसा है, कि आप उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में अगर फेल हो जाते हो तो क्या जॉब रहेगी या चली जाएगी। बेसिकली ये क्वेश्चन लगभग लगभग है थ्री इडियट, अगर आपने पूछ थ्री इडियट आपने मूवी देखी हो तो लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। अगर आप ये जानना चाहते हो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों अगर पहले मैं यहाँ पे बात करूँ बीटेक के सेमेस्टर की, जो फाइनल ईयर का सेमेस्टर होता है लास्ट, तो उसमें क्या होता है कि पहले होता था आपको कैरी ओवर पेपर भी देने को मिल जाते थे। तो अगर आपका लास्ट सेमेस्टर में वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है और इसके बाद अगर आपकी बैक है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं बता दूँ कि वो प्लेसमेंट कंपनी प्लेसमेंट आपको देती है। एंड इसके बाद जो बैकग्राउंड वेरीफिकेशन होता है, बेसिकली वो नॉर्मल बैकग्राउंड वेरीफिकेशन होता है, आपका घर, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपकी लोकेशन हो गई या नाम हो गया या प्रीवियस ईयर की मार्कशीट होंगी, तो ये बेसिकली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ पे होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहीं पे, या जब तक आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कॉलेज कैंपस या स्कूल से, तब तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे फिर फेल हो जाते हो या बैकलॉग्स वगैरह कुछ भी होती है, तो जी हाँ दोस्तों, आपकी वहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम इन द सेंस कि लगभग ना के बराबर। आपको अगर कंपनी टाइम दे रही है, टाइम इन द सेंस कि कई बार क्या होता है कि जो कैरी ओवर पेपर होते हैं, जैसे कि बीटेक में होता है, अगर आप 4 साल में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अराउंड 7 साल का टाइम मिलता है, कि अगर 7 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको वो डिग्री ड्रॉप हो जाती है, यानी कि कॉलेज ड्रॉप हो जाता है, उसमें फिर आपका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से भी कंपनी डील करती है कि अगर आप, लेकिन मैं अगर यहीं पर बात करूँ किसी भी और तरीके की बैकग्राउंड वेरीफिकेशन की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कंपनी आपको टाइम दे देती है या एक कॉलेज से NOC वगैरह बनती है, अगर आप वो बनवा के वहाँ पर सबमिट करवा देते हो, तो कुछ टाइम आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं फेल हो जाऊं और मेरी जॉब बनी रहे, तो ऐसा नहीं होता है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने जैसे ही आपका वहाँ पे ईयर कंप्लीट होता है पूरा, वो दोबारा से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट कराती हैं। और अगर आपकी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं है, तो फिर वहाँ पे आप पकड़े जाओगे और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों यही है कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो और आपकी बैक्स वगैरह हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ या कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आपको जॉब तो मिली गई है, 2-3 महीने 3 महीने तक आप ढंग से मेहनत करो और उसे वहाँ पे पास आउट करो अच्छे से। और जितना उनका क्राइटेरिया हो, कहीं कहीं होता है क्राइटेरिया कि मिनिमम 60% होना चाहिए या मिनिमम 50%। एंड बेसिकली कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि सर मेरा थर्ड ईयर तक मेरा 60% है और मेरा फाइनल ईयर में अगर 50% हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी। तो मैं बता दूँ कि जो टोटल मार्क्स होते हैं, यानी कि अगर आपका मान लो 40% आया फर्स्ट ईयर में, फिर 60% सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड ऐसे लगभग 50% आपका थर्ड ईयर तक आया, और फिर इसके बाद में आपका 60% टोटल बना फाइनल ईयर में, तो वहां पे क्या होता है कि टोटल में डिवाइड करा जाता है। टोटल इन द सेंस समझ रहे हो ना, कि आपका अगर 1000 का फर्स्ट ईयर में, वो फाइनल ईयर में अगर 4000 तक बनता है, 1000 1000 1000 1000, 4000 हुआ टोटल, तो 4000 में आपके टोटल मार्क्स डिवाइड की जाती है, यानी कि टोटल कैलकुलेट करा जाता है कि वो 50% निकल रहा है कि 60% निकल रहा है। क्योंकि पता चले आपने थर्ड ईयर में 80% ला दिया और फाइनल ईयर में 40% ला दिया, तो उससे मैटर नहीं करता। आपको जो फाइनल ईयर में टोटल मार्क्स बन रहे हैं, और वो टोटल जो उनका पूर्णांक बोलते हैं ना, जिसको कि टोटल जो पूर्णांक है उसमें टोटल आपके मार्क्स डिवाइड करेंगे जाएंगे, फिर जितना परसेंटेज बनेगा वो आपका टोटल माना जाएगा। अगर आपकी कोई बैक्स वगैरह, तो वो उस टाइम पे कंसीडर नहीं करी जाएगी, उस टाइम पे आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि अपने पास 1-2 चांसेस होते हैं बैक वगैरह निकालने के लिए, तो उस टाइम आपको नहीं देखा जाएगा, उस टाइम आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। और अगर इसके बाद आपका जो टाइम होता है वो निकल गया और आपने अपनी बैक कंप्लीट नहीं कर पाई या कुछ नहीं हो पाया, तो फिर आपको वहाँ से कंपनी से रिजेक्शन मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनी फिर उसके बाद रखती नहीं है। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर उन्होंने कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा हो वहाँ पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। उसके बाद मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, have a great moment and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for coming here. Jai Hind, Jai Bharat.